आखिर कौन था वो योद्धा जिसने चलाए भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण। ये बात है महाभारत युद्ध की। क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण हो गए लहूलुहान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को दो विकल्प दिए थे। एक या तो भगवान श्री कृष्ण निहत्ते होंगे उनको चुने, या फिर भगवान कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कभी नहीं हारती। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान कृष्ण को। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भगवान कृष्ण तो निहत्ते लड़ने वाले थे, तो फिर आखिर वो कौन योद्धा था जिसने स्वयं भगवान कृष्ण पर 12 बाण चलाए थे, यानी 12 घातक बाण छोड़े थे। तो आपको बता दें कि वो कोई और नहीं, वो सूर्य पुत्र कर्ण थे। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर उस समय हुआ क्या था कि कर्ण को 12 घातक तीर भगवान पर छोड़ने पड़े। ये बात थी महाभारत युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे के ऊपर कई सारी असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की रणनीति यही थी कि वो अर्जुन को खत्म करना चाहते थे, और अर्जुन ये चाहते थे कि वो कर्ण को खत्म कर दे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। वो समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा था। वास्तव में ये बाण पाताल लोक में अश्वसेन नाम का एक नाग था जो अर्जुन का कट्टर शत्रु था, और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था कि खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था, और जो सर्प रह रहे थे खांडव वन में उनको वहां से हटा दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने की तलाश में था। कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख अश्वसेन खुद उनके बाण पर जाकर विराजित हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए हुए नाग को पहचान नहीं पाए। जबकि अर्जुन का रथ चला रहे भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल ही पहचान लिया, और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में धस गया, घोड़े बैठ गए, और तीर अर्जुन के गले के बजाय उसके मस्तक यानी उसके मुकुट को छिटक कर जमीन पर जा गिरा। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने उस युद्ध में अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान कृष्ण रथ के धसे पहिए निकालने के लिए नीचे उतरे, तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया, और तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण बने। उसी समय मौके पर 12 तीर यानी 12 घातक बाण भगवान श्री कृष्ण के शरीर में धंस गए। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घावों को सह लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए परम प्रिय अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 तीर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने खाए थे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।